यानी कि रेंज एनालिसिस में कि एक पर्सन है, मान लो वो कहता है कि मेरी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है फेंकने की वो है 40 मीटर पर सेकेंड, मैं इससे ज़्यादा स्पीड से किसी भी बॉल को नहीं फेंक सकता, यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी उसकी 40 मीटर पर सेकेंड, वो फिक्स है, उससे कम ज़्यादा वो नहीं कर रहा, मैक्सिमम 40 रख रहा है। मैं एंगल कम ज़्यादा कर सकता हूँ, एंगल आप कुछ भी कहो कि इतने एंगल से फेंकनी है फिर इतने एंगल से फेंकनी है, इतने एंगल से एंगल अलग अलग कर सकता हूँ, बट मेरी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, फिक्स है 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में मान लो उसने बॉल को जो है, ये बात है नहीं, बॉल को जो है 10 डिग्री एंगल से फेंका, तो रेंज बॉल यहाँ जाके गिरी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कितने से फेंका इसने, 10 डिग्री से, तो बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक जाके गिरी। अब उसने एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया, मान लो 10 से कितना कर दिया, 20 डिग्री, एंगल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 10 से मान लो 15 कर दिया या फिर 20 डिग्री कर दिया, तो उस केस में रेंज जो आई वो इससे ज़्यादा आई, जब 20 से फेंका तो रेंज जो है इससे क्या आई, ज़्यादा आई, जब 10 से फेंका था अब 20 से फेंका तो जितनी रेंज इसमें आई थी फर्स्ट वाले में अब उससे क्या आई है, ज़्यादा आई है। अब इससे और एंगल बढ़ा दिया उसने, मान लो कि अब जो एंगल करा वो 20 से बढ़ा के कितना कर दिया उसने, 30, तो रेंज कितनी उसकी और ज़्यादा आई, रेंज क्या है उसके इसमें और ज़्यादा, एंगल और बढ़ा दिया, मान लो अब बढ़ा के 30 से कर दिया उसने 35, तो रेंज जो है वो क्या आई उसके इसमें, मैक्सिमम रेंज आई, जब 45 से फेंका तो रेंज क्या आई, मैक्सिमम, 0 से आप 45 डिग्री तक एंगल अगर इंक्रीज करोगे तो रेंज जो है वो इंक्रीज होती है, 0 to 45 एंगल अगर आपने इंक्रीज करा, यू की स्पीड सेम है हर केस में, यू की स्पीड क्या है, सेम है, आप एंगल अगर इंक्रीज करोगे तो रेंज भी क्या होगी इस केस में, इंक्रीज। अब 45 से आगे कितने भी अगर आपने 0 डिग्री से फेंका तो रेंज उसमें होगी नहीं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं होगी, तो रेंज की वैल्यू 0। 90 से भी अगर फेंकोगे तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, क्योंकि बॉल वहीं पर आके वहीं गिर जाएगी। तो 0 to 45 रेंज क्या होती है, इंक्रीज, जितना आप एंगल बढ़ाते जाओगे रेंज क्या आती जाएगी उसमें, ज़्यादा, यानी कि जहाँ से आप फेंक रहे हो जो आपका प्रोजेक्शन पॉइंट है उससे उतना ही दूर जाके बॉल गिरेगी, ठीक है। अब मान लो कि उसने दोबारा से बॉल को फेंका, जब उसमें फेंका दोबारा से, तो उस केस में मान लो उसने 80 डिग्री से फेंका, कितने से, 80 डिग्री, तो उस केस में जो रेंज आई है वो वहीं आ गई जहाँ पर 10 डिग्री से फेंका था, तब जो रेंज आई थी, जब 80 डिग्री से फेंका तो उस केस में बॉल वहीं आके गिरी है जब 10 डिग्री से फेंका था तब आके गिरी, तो यानी कि जब 10 डिग्री से फेंका तब भी रेंज उतनी आई और 80 डिग्री से फेंका तब भी रेंज क्या आई, सेम ही। अब मान लो उसने 70 डिग्री से फेंका तो भी बॉल जो है वहाँ जाके गिरी जहाँ पे पहले 20 डिग्री पे गिरी थी, तो यहाँ पे 70 डिग्री और 20 डिग्री के केस में रेंज क्या ही है, सेम। अगर मान लो 60 डिग्री से फेंका गया तो रेंज क्या आएगी, वहीं आएगी जहाँ पे बॉल पहले 30 डिग्री से फेंका था, जब जहाँ से टकराई थी बॉल दोबारा से 60 डिग्री से फेंका तो भी वहीं टकराएगी। यानी कि दो ऐसे एंगल, प्रोजेक्शन एंगल दो, जिनका सम 90 डिग्री है, उनके केस में रेंज क्या आती है, सेम, यानी कि 80 प्लस 10 एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो दो एंगल हैं, अगर दो डिफरेंट एंगल से फेंका, प्रोजेक्शन वेलोसिटी दोनों की सेम है, उन दोनों एंगल का सेम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उस केस में रेंज क्या आएगी, सेम आएगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में रेंज हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अगर मान लो इसमें आप 78 ले लो और 12 डिग्री, तो उस केस में दोनों ही केस में क्या आएगी, रेंज सेम आएगी, 12 डिग्री से जहाँ फेंका तब बॉल जहाँ पे गिरेगी, और जब आपने बॉल यहाँ पे कहीं गिरेगी 12 डिग्री से, और 78 से जब फेंकोगे तब भी यहीं पे आके गिरेगी बॉल, तो यानी कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा तो उन उसके केस में रेंज क्या होगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे भी दोनों का सम क्या रहा था, 90 डिग्री, इन दोनों का सम भी क्या है, 90 डिग्री, इन दोनों का सम भी क्या है, 90 डिग्री, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही है, उन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो उस केस में रेंज क्या आती है, सेम आती है। मान लो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि दो एंगल दे दिया आपको, एक थीटा है दूसरा थीटा, बताओ कि दोनों में रेंज सेम आए, तो एक थीटा दे दिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा पक्का। तो ये क्वेश्चन आ चुका कि एक बॉल को फेंका एक थीटा होगा और एक दूसरे एंगल से फेंका गया है थीटा 2, और दोनों ही केस में रेंज सेम आ रही है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, जो भी पूछा गया आंसर आ जाएगा उसमें, बस यही दिमाग लगाना था कि दूसरा एंगल क्या होगा, तो एक थीटा हो गया तो दूसरा पक्का 90 माइनस थीटा होगा, तभी रेंज सेम आ सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें कि 0 डिग्री से 45 डिग्री रेंज क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे जैसे थीटा आप बढ़ाओगे 0 डिग्री से 45 रेंज इंक्रीज होगी, और 45 से 90 क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, और मैक्सिमम रेंज तब आएगी जब एंगल क्या होगा, 45 डिग्री।
एंगल जब 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम आएगी। यानी कि तीन बातें मैंने बताई कि रेंज मैक्सिमम कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। दूसरी बात, जब आप एंगल इंक्रीज करोगे 0 to 45 तो रेंज क्या होगी, इंक्रीज होगी, और 45 to 90 डिग्रीज होगी। और जीरो एंगल पे रेंज होगी नहीं, प्रोजेक्शन मोशन ही नहीं होगी, और 90 डिग्री में भी रेंज क्या होगी, जीरो। ठीक है, तीसरी बात कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होगा, तो उस केस में रेंज क्या आती है, सेम आती है। लिख लो इन तीन बातों को, रेंज इंक्रीजिंग फ्रॉम, रेंज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 degree to 45 degree। रेंज इंक्रीजेज फ्रॉम 0 degree to 45 degree एंड डिक्रीजेज फ्रॉम 45 degree to 90 degree एंड डिक्रीजेज फ्रॉम 45 degree to 90 degree। रेंज विल बी मैक्सिमम एट 45 degree। रेंज विल बी मैक्सिमम एट 45 degree। And range will be same for complementary angles. And range will be same for complementary angles. And range will be same for complementary angles. हाँ, था कोई doubt? अब देखो, मैंने तीन बातें बोली, ये सही कैसे हैं, उन बातों को देखते हैं। कि पहली बात तो मैंने बोली कि अगर एंगल जो है 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास R इक्वल टू यू स्केयर साइन 2 थीटा बाय में जी, ये था यू स्केयर साइन 2 थीटा बाय में जी। कल बताया गया था रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला था यू स्केयर साइन 2 थीटा बाय में जी। अब इसमें यू तो फिक्स है, मैंने बोला था यू 40 ले लिया तो वो क्या थी, फिक्स थी। इसमें जी भी क्या है, फिक्स है, तो अगर थीटा चेंज होगा तो रेंज क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि यू और जी यहाँ पे क्या है, फिक्स है। यू जी की वैल्यू 10 है और यू मैंने कह दिया था फिक्स है, तो जो अगर थीटा की वैल्यू आप चेंज करोगे तो रेंज चेंज होगी। और इस केस में साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम आएगा तो रेंज की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि 1 मैक्सिमम, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, इसके बीच में ही वैल्यू लाइज करती हैं। अगर कोई कहे कि साइन थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम ही 1 है। तो इस केस में अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और उसमें साइन थीटा की वैल्यू आप कुछ पुट कर रहे हो और वो आपकी अलग आ रही है, 1 से ज़्यादा है और -1 से कम है, तो इस केस में यानी कि आप कुछ गलती कर रहे हो उस क्वेश्चन में। मैक्सिमम 1 हो सकती है साइन थीटा की वैल्यू और मिनिमम -1। तो इसमें साइन 2 थीटा हो चाहे वो साइन 3 थीटा हो, साइन 4 थीटा, साइन 100, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही आ सकती है। यानी कि वो अंडर थीटा ही आ गया, साइन थीटा। तो इस केस में साइन 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो रेंज मैक्सिमम आएगी। तो यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे यानी कि पक्का 2 थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे पक्का 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। तभी तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 बाय में 2, यानी कि 45 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, यानी कि पहली बात तो ये कि रेंज जो है मैक्सिमम आती है जब एंगल क्या होता है उसमें 45 डिग्री। दूसरी बात मैंने बोली थी कि अगर आप एंगल जो है 0 to 45 अगर पुट करते जाओगे इंक्रीज करके, तो रेंज जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब मान लो कि आप पहले पुट कर दो 50 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या ले लो, आप 50 डिग्री ले लो, थीटा की वैल्यू क्या ले लो, 50 डिग्री। रेंज निकाल लो, आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, यू स्केयर साइन 2 इंटू में थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, 45, 2 into 45 डिग्री, सॉरी 15 है, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो, 15 डिवाइड बाय में जी। तो
तो आर इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा जी साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो ये आ जाएगी आपके पास यू स्क्वायर बाय में 2g। रेंज की वैल्यू आई आपके पास जब एंगल 15 डिग्री था तो रेंज कितना आया यू स्क्वायर बाय में 2g। अब एंगल आप इससे क्या कर लो इंक्रीज कर दो, एंगल इससे क्या कर लो इंक्रीज कर लो। मान लो आपने एंगल ले लिया 30 डिग्री, एंगल कितना ले लिया 30 डिग्री, कुछ भी बीच में वैल्यू कुछ भी ले सकते हो जो आपको वैल्यू पता हो एक बार। तो आर इक्वल टू अगर आप थीटा 30 डिग्री ले लो, थीटा की वैल्यू कितनी ले लो 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो रेंज आएगी आर इक्वल टू यू तो सेम है यू स्केयर साइन 2 इंटू में 30 डिग्री डिवाइड बाय में जी, तो यू स्केयर इंटू में साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय में जी, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 तो आ जाएगा यू रूट 3 यू स्केयर बाय में 2g। ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या हिस्से ऊपर वाली से वैल्यू से बड़ी है। आप और वैल्यू पुट कर लो वो क्या आएंगी इससे बड़ी आती जाएंगी, 45 तक इंक्रीज होगी और 45 के बाद आप पुट करोगे तो दोबारा से क्या होती जाएंगी डिक्रीज, ठीक है। और सेम आएगी रेंज जब दिन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया? श्योर? एनी डाउट? एक क्वेश्चन मेरे दिया दो। एक बॉल की प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्शन एंगल है 60 डिग्री, इसमें रेंज बतानी है आपको, फॉर्मूला लगा के निकालनी है। सेकंड केस में प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेइंग 40 मीटर पर सेकेंड और प्रोजेक्शन एंगल दे रखा आपको 30 डिग्री, दोनों में रेंज की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। दोनों केस में रेंज की वैल्यू बतानी है क्या होगी, फॉर्मूला लगा के निकालना है। इसमें फॉर्मूला लगा यानी कि आर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर इंटो में साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री का डबल करोगे 120 डिग्री डिवाइड बाय में जी, 40 का स्क्वायर 1600 इंटो में साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस √3/2 डिवाइड बाय में आ जाएगा आपके पास 80 √3 मीटर। अब इसमें भी निकाल लो आर इक्वल टू जाएगी 40 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री का डबल करोगे साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 डिवाइड बाय में जी की वैल्यू 10, आर इक्वल टू 1600 इंटू में √3 डिवाइड बाय में 20, ये कितना आ जाएगा 80 √3 मीटर। अब इन दोनों एंगल्स का सम जो था वो कितना था 90 डिग्री, तो दोनों ही केस में रेंज क्या है सेम, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है सेम होती है। मैंने तीन बातें बोली थी, तीनों का प्रूव करा है कि रेंज जो है मैक्सिमम आएगी जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री, रेंज इंक्रीज होगी 0 to 45 डिग्री, डिक्रीज होगी 45 to 90, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होगी सेम होगी। तीन बातें बताई हैं, तीनों के प्रूफ करके माइंड में सेट करने की कोशिश करिए। करा तभी 120 डिग्री हुआ, यहाँ तो 60 था यहाँ तो 120 है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो करके दिखाना,
जब आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी तो रेंज आई है आर वन, थीटा की वैल्यू 35 डिग्री तो रेंज आई आर टू, थीटा की वैल्यू 48 डिग्री थी तो रेंज आई है आर थ्री, और थीटा की वैल्यू जब 54 डिग्री थी तो रेंज आई है आर फोर। थीटा की वैल्यू चेंज करी है, पहले 30 डिग्री थी तो रेंज आई आर वन, मान लो फिर एंगल बढ़ा के कितना कर दिया 35 डिग्री तो रेंज कितनी आई आर टू, जब थीटा की वैल्यू 48 डिग्री कर दी तो रेंज आई है आर थ्री, और थीटा की वैल्यू 54 डिग्री कर दी तो रेंज कितना है आर फोर। ऑर्डर सेट करना है रेंज का, सेट द ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा लिखोगे फिर छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट कर दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट कर दो, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। कितना से हो गया इसमें देखो, यानी कि जब एंगल 30 डिग्री था तो उस केस में रेंज आर वन आई, जब 31 करा होगा तो रेंज जो है आर वन से ज़्यादा आई होगी कुछ, जब 33 डिग्री करा तो रेंज क्या आई उससे हल्की सी ज़्यादा होगी, यानी कि 45 होता है तो मैक्सिमम आती है, तो 44 जब एंगल होगा तो क्या आएगी उससे हल्की सी कम आएगी, यानी कि उसके आसपास ही आएगी, और 43 डिग्री करोगे तो रेंज और कम होगी, यानी कि कम होती जाएगी। तो इस केस में ये देखना 45 पे मैक्सिमम आती है तो 45 डिग्री के जितना पास वैल्यू होगी उसमें रेंज क्या आएगी ज़्यादा आएगी। तो इसमें निकालने के लिए इसको एक तरीका है कि आप जितने भी एंगल आपको दे रखे हैं इस इनको 45 में से क्या कर दो आप माइनस कर दो और मोड ले लो उसका, तो यानी कि इसको करो आर वन जो आएगी वो क्या करोगे 45 माइनस 30 डिग्री और इसका मोड लोगे तो कितना आ जाएगा 15। आर टू की जो वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे 45 में से माइनस करोगे 35 डिग्री और इसका क्या ले लो मोड, तो आ जाएगी आपके पास 10। आर थ्री निकालनी है तो 45 में से लेस कर दो माइनस कर दो 48 और मोड ले लो, ये क्या आ जाएगी 3, और 40 आर फोर अगर निकालनी है तो क्या आ जाएगी 45 माइनस 54 ये आ जाएगी आपके पास 9। अब इसमें जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी सबसे कम, रेंज उस केस में क्या आएगी मैक्सिमम, तो R3 की वैल्यू क्या होगी रेंज R3 क्या होगी जब एंगल 48 डिग्री होगा तो रेंज क्या आएगी उसमें मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा R3 फिर इससे फिर R4 R2 फिर R2 और फिर R1, यानी कि माइनस करने पे 45 में से जो एंगल आपको गिवन है उसको क्या कर दो माइनस कर दो और मोड ले लो, जो वैल्यू माइनस करने पे सबसे कम आएगी उस केस में रेंज क्या होगी मैक्सिमम। अगर आपकी वैल्यू माइनस करने पे जीरो आ रही है तो उस केस में यानी कि एंगल पक्का 45 होगा तो वो मैक्सिमम होगी, इसमें ये मत सोचना कि जीरो आ गई तो रेंज होगी ही नहीं, उस केस में वो सबसे कम होगी, जीरो आने का मतलब यहाँ पे माइनस करने में वो क्या है रेंज उसमें मैक्सिमम होगी, जीरो तभी आएगा जब एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 माइनस 45 करोगे तो जीरो, तो रेंज क्या आएगी उसमें मैक्सिमम। माइनस करने पे जो छोटी वैल्यू आ रही है वो क्या होगी रेंज उस केस में मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे आर थ्री जो है मैक्सिमम, फिर आर फोर, फिर आर टू, फिर आर वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जितना दूर जा रहे हो क्या डिक्रीज होती जा रही है, तो ये क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे समझो एक क्वेश्चन और कर दो, जब थीटा की वैल्यू 22 डिग्री तो रेंज आई है आर वन, थीटा की वैल्यू 42 डिग्री तो रेंज है आर टू, आर थ्री, और थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है तो रेंज है आर फोर। सेट ऑर्डर सेट करना, समझ नहीं आया, सेट द ऑर्डर।
हाँ तो इक्वल आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। इसमें देखो आर वन अगर निकालना है तो 45 माइनस 22 23, आर टू अगर निकालोगे तो 45 माइनस 42 3, और आर थ्री 45 माइनस 68 23, और आर फोर 45 माइनस 72 27। अब देखो वैसे भी पता लग रही थी कि आर वन और आर थ्री सेम आएंगी क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो क्या रहा है 90 डिग्री, तो आर वन और आर थ्री क्या है दोनों सेम आएंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो क्या है आर टू, आर टू ग्रेटर देन है आर वन, इक्वल है आर थ्री और फिर है आर फोर। ये है इसका उत्तर। आगे समझ आपको ये, एनी डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये गिवन है कि जो रेंज है वो इक्वल दे रखी है एच मैक्स के, रेंज क्या दे रखी है मैक्सिमम हाइट के इक्वल दे रखी है, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये बात आपको गिवन है कि जो रेंज है वो इक्वल है मैक्सिमम हाइट के, तो थीटा क्या होगा ये बताना है। रेंज यहाँ पे इक्वल है मैक्सिमम हाइट के, रेंज रेंज इक्वल नहीं है, रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, तो उस केस में थीटा क्या होगा। टेन इनवर्स आगे कुछ सोच ही नहीं रही। वो तो मैं निकालूंगी ना, आप निकालो। फोर्टीन डिग्री गलत है, सही है ना, ईमानदारी से दे रहा है। चीटिंग सब्जेक्टिव क्लास में होती है, सब्जेक्टिव पेपर में ना चेक कर दिया वो। 20 20 तो जो भी करा वो मतलब बस आप देख लो, ठीक है। इसमें देखो इक्वल दे रखा है, रेंज इक्वल है किसके, मैक्सिमम हाइट के, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, ये इक्वल हो जाएगा किसके एच मैक्सिमम, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2 जी के। ये बात इसमें गिवन है कि रेंज जो है मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, तो यहाँ पे जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, या साइन 2 थीटा को कल मैंने बताया था लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा को कहीं पे भी आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हम लिख लो साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख लो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइड बाय में 2। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यह आ जाएगा 2 इंटू कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा बाय में 2 क्रॉस 4 कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा, 4 कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा।
तो यहाँ से फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, तो फोर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी 76 डिग्री। थीटा कितना होगा, ऐसे भी लिख सकते हो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या है 4, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 4, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4 है तो थीटा 76 डिग्री हुआ। थीटा कितना जाएगा यहाँ पे 76 डिग्री। 76 डिग्री तो ये रेंज नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट और रेंज है। अगर आप मैक्सिमम रेंज ला सकते हो तो मैक्सिमम हाइट हमेशा उसकी डबल, अगर आपकी मैक्सिमम हाइट जितनी आई है रेंज हमेशा उसकी डबल आती है। बताऊंगी मैं अभी, अगर आप मैक्सिमम हाइट एक्स ला सकते हो तो रेंज 2x आ सकती है। इस क्वेश्चन में यही आंसर 76 डिग्री या 10 इनवर्स 4। तो उस केस में रेंज सेम आएगी, रेंज सेम आती है उस केस में। यहाँ पे रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल कब होगी, जब थीटा कितना हो, ये पूछा गया इसमें। अगर एक बॉल को 76 से भगा दी एंगल और भगा दी 14 से आप इसको ही भगाइए मैम, तो रेंज इक्वल है। तो इसमें रेंज वही है और h max इक्वल है, तो मैम 14 के अकॉर्डिंग भी तो वही होना चाहिए। कुछ एक पर्टिकुलर एंगल होगा कि जिस केस में रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल आ रही है। मान लो किसी बॉल को पर्टिकुलर एंगल से फेंका है तो रेंज अलग है मैक्सिमम हाइट अलग है। ये वाली मैक्सिमम, ये पर्टिकुलर कोई एंगल होगा, जरूरी नहीं है कि दो एंगल ऐसे लिए जिस केस में रेंज भी इक्वल आए। आप जो कह रहे हो मान लो कि मैंने 30 डिग्री लिया और 60 डिग्री लिया, दोनों केस में रेंज सेम आएगी, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट जरूरी नहीं है सेम आए। दो एंगल्स का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उस केस में रेंज सेम आएगी। ये नहीं कहा कि उस केस में मैक्सिमम हाइट भी सेम आएगी, वो एक ही केस में इसमें हो सकते हैं कि रेंज इक्वल हो मैक्सिमम हाइट के, वो यही है। तो थीटा उस केस में क्या हो, रेंज अलग चीज है, मैक्सिमम हाइट अलग है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाके वो दूर जाके गिरेगी। कल भी बताया था कि रेंज होगी कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही है ग्राउंड पे। एक्स मैक्स, अरे जो मैंने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, तो इस केस में देखो, इसमें डायग्राम जब मैंने बनाया था तो उस केस में जब मैंने 10 डिग्री लिया तो रेंज कम आई थी, हाइट भी उसकी क्या थी कम। जब मैंने 80 डिग्री लिया तो रेंज उतनी आ गई बट हाइट तो बढ़ गई, तो मैक्सिमम हाइट तो ज़्यादा नहीं होगी इसमें, तो फिर दोनों सेम आनी चाहिए, ये भी इधर से ही जानी चाहिए थी फिर। तो आप एंगल अगर बढ़ा रहे हो तो उस केस में मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी, रेंज घट जाएगी। कोई एक पर्टिकुलर एंगल होगा इनके बीच जिस केस में दोनों सेम आएंगे, समझ गए। अब इस केस में 20 और 70 था, 20 डिग्री में जो जिस हाइट तक ये गई ये वाली हाइट, और जब 70 डिग्री तो हाइट बढ़ गई और रेंज क्या होगी, घट गई। अगर आप कोई चीज़ ऊपर ज़्यादा फेंकते हो तो वो बहुत कम दूर जाके गिरेगी, बिल्कुल पास गिर जाएगी। अगर आप बिल्कुल ऐसे फेंकते हो हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल वर्टिकली 90 डिग्री आपका ग्राउंड के साथ, तो वो वहीं आके क्यों गिरती है, क्योंकि रेंज उसमें आपने ऊपर ज़्यादा फेंकने की कोशिश करी है। अगर आप दूर कहीं फेंकने की कोशिश करोगे तो एंगल आपको कुछ और करना पड़ेगा जिससे वो ज़्यादा दूर तक जाके गिरे। आगे समझ, क्या कह रहे हो? हाँ, तो मैंने क्या बोला, तो आप क्या सोच रहे थे मेरा गलत है? चलो एक क्वेश्चन और वो कर दो। रेंज आपको दे रखी है 100√3 मीटर, रेंज क्या दे रखी है आपको 100√3 मीटर, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। मैक्सिमम हाइट बता दो, बातें नहीं। आपको क्वेश्चन दे रखा है रेंज आपको गिवन है 100√3 मीटर, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, मैक्सिमम हाइट बतानी है क्या होगी। अभी भी कोई डाउट है क्या पीछे वाली क्वेश्चन में? Use square sine 2 theta by g. Use square sine square theta by me 2g. Use square sine square theta by 2g.
वो है यू स्केयर साइन टू थीटा बाय जी और वो है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय टू जी. देखो दोनों में डिफरेंस ये है. इसमें तो आप लिख रहे हो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय में टू जी, ये है मैक्सिमम हाइट का और रेंज का है यू स्केयर साइन टू थीटा बाय जी. स्केयर नहीं है इसमें, थीटा डबल करोगे इसमें, थीटा की जो वैल्यू होगी उसका स्केयर करोगे. अगर आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी. इसकी वैल्यू अगर मान लो ऐसे लिख रखा है साइन स्केयर थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट करो साइन स्केयर 30 डिग्री, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 30 डिग्री का होल स्केयर. कल भी हो जाया था, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो उसका स्केयर कर दो. 1/2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, 1/4. और इसमें साइन 2 थीटा, जो थीटा की वैल्यू है उसका डबल करो फिर उसकी वैल्यू देखो, तो 30 का डबल करो 60 डिग्री, अब उसकी वैल्यू क्या होगी √3/2. एक में स्केयर है एक में 2 मल्टीप्लाई में है. अब मान लो मैंने ये लिख दिया x2x2, ये लिख रखा मैंने, और एक मैंने लिख दिया इसमें 2x, तो इस केस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके पावर में. क्या हो गया प्लस वन का हो गया सॉल्व. ये कितने से हो गया? देख उसमें रेंज आपको गिवन है, तो इसको करो आर इक्वल टू यू स्केयर साइन टू थीटा बाय में जी. आर की वैल्यू गिवन है आपको 100√3 इक्वल टू यू स्केयर साइन इंटू में 230 डिग्री डिवाइड बाय में जी. तो ऐसे 100√3 इक्वल टू यू स्केयर बाय जी को एज इट इज रख लो, यू स्केयर बाय जी इंटू में साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 क्या आ जाएगी 100√3 इक्वल टू यू स्केयर बाय में जी. इधर ले जाओ इसको 2 को मल्टीप्लाई में और √3 डिवाइड में, √3 से √3 कैंसिल. यू स्केयर बाय जी की वैल्यू जो है वो है 200 मीटर. 200 यू स्केयर बाय जी की वैल्यू क्या है आपके पास 200. अब एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय में 2g. यू स्केयर बाय जी की वैल्यू आप पुट कर दो 200. यू स्केयर बाय जी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 200. तो यहाँ पे एच मैक्स जो है 200 इंटू में साइन के साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगी 1/4 इंटू में 1/4 डिवाइड बाय में 2. 100 डिवाइड बाय में 4 यानी कि 25 मीटर. मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी 25 मीटर. क्या हो गया, कुछ समझना इसमें, कोई डाउट? अब देखो ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन एक शॉर्टकट से कर सकते हो आप कि आर टेन थीटा इक्वल टू होता है 4h. आर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है रतन चोर है. आर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4h. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको r गिवन था, थीटा आपको गिवन था, h निकालना था. आर टेन थीटा इक्वल टू क्या है रेंज थीटा और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन होता है. आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4h. तो इस केस में यहाँ से निकाल लो आर की वैल्यू आपको गिवन है. यही क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. आर की वैल्यू है 100√3. टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इंटू में इक्वल टू 4 इंटू एच. √3 से √3 कैंसिल, एच की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय में 4 यानी कि 25 मीटर. ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी आपको रेंज इक्वल दे रखा था मैक्सिमम हाइट के, तो इससे भी निकाल सकते हो आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होगा 4h के, यानी कि आर और एच क्या है इक्वल है दोनों. तो दोनों की वैल्यू क्या मान लो आप एक्स मान लो, आर की वैल्यू भी एक्स है, एच की वैल्यू भी क्या है एक्स. तो यहाँ पे एक्स टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, एक्स की वैल्यू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.
थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स 4 यानी कि 76 डिग्री। ये क्वेश्चन आ चुका है 76 डिग्री वाला, ये वैल्यू याद कर लो। SHM में पूछा गया था, ग्राफ देखे SHM का, उसमें पूछा गया था। तो टेंजेंट 70, अगर थीटा की वैल्यू 76 डिग्री होगी, अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4 है तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 76 डिग्री। एक बार आ चुका है ये SHM के क्वेश्चंस बना ये दिया था। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो इसमें ये बात ध्यान रख लो कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है कि अगर स्लाइड चेंज करनी थी, हो गया, इसको याद भी कर सकते हो, रतन चोर है, यानी कि r मतलब रह टेंजेंट थीटा, इसको कर लो ये r टेंजेंट थीटा, यानी कि रतन चार होता है, इसको 4 कर लो, चोर है, रतन चोर है, इससे याद कर सकते हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे, जैसे यही दोनों क्वेश्चन थे तो एक तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और एक एक ही लाइन में सोल्व हो रहा है। अब देखो एक पर्सन है मान लो कि जो वेलोसिटी उसकी, मान लो वो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो उसकी 40 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, कितनी हो सकती है उसकी 40 मीटर पर सेकेंड, और वो मैक्सिमम हाइट लेके आ रहा है। एक पर्सन है जो उसकी वो मैक्सिमम स्पीड से फेंक सकता है 40 मीटर पर सेकेंड, और वो इतने कुछ एंगल से फेंक रहा है कि रेंज मैक्सिमम हाइट जो आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम एच मैक्स आ रहा है उसमें। कि एक पर्सन है वो जो बॉल को फेंक रहा है उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक सकता है, वो कुछ इसे इतने एंगल पे फेंक रहा है कि मैक्सिमम हाइट आ रही है उसमें, हाइट क्या रही है, मैक्सिमम। वही पर्सन जो है रेंज को भी मैक्सिमम लाना चाहता है, रेंज को भी क्या लाना चाहता है, मैक्सिमम, स्पीड उसकी यही है 40, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, रेंज कितनी आएगी, बताना है। वो तो आप सोचो, मैंने तो ऐसे वेलोसिटी दिया कि एक बॉल की वेलोसिटी है, मैं तो जनरली दे रही हूँ, मान लो एक बॉल की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन है जो कि कह रहा है कि एक पर्सन है वो कह रहा है मैं मैक्सिमम हाइट भी ला सकता हूँ और मैक्सिमम रेंज भी ला सकता है। तो एक पर्सन अगर मैक्सिमम हाइट कुछ एच ला सकता है तो वो मैक्सिमम रेंज कितनी ला सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर एक पर्सन जो है जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्शन वेलोसिटी उसकी 40 है, वो कह रहा है कि मैं मैक्सिमम हाइट ला सकता है वो, तो वो मैक्सिमम रेंज कितनी ला सकता है। मान लो मैक्सिमम हाइट उसने एच ला दी, एच मैक्स कितनी ला दी उसने, एच, तो रेंज कितनी ला सकता है वो, ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं समझ आया? मान लो कि एक पर्सन है वो मैक्सिमम किसी एंगल से बॉल को फेंक रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट तक बॉल जा रही है कि वो मैक्सिमम इतनी ला सकता है, उसने पर्टिकुलर कुछ एंगल से उस ब्लू बॉल को फेंका, मैक्सिमम हाइट उस केस में उसने बता दी एच आ रही है। अब वही पर्सन जो है रेंज भी मैक्सिमम लाना चाहता है, तो वो पर्सन रेंज मैक्सिमम ला भी सकता है, तो वो कितनी मैक्सिमम रेंज ला सकता है, ये बताना है आपको। एक ही पर्सन कितनी मैक्सिमम हाइट ला सकता है अगर उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, और कितनी मैक्सिमम रेंज ला सकता है, वेलोसिटी दोनों केस में सेम है। हाँ तो वही दिमाग तो लगाना है। अब देखो इसमें मैक्सिमम हाइट तो तभी आएगी जब एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये सीधा फेंके तभी मैक्सिमम हाइट आएगी उसमें, तो यानी कि अगर वेलोसिटी उसकी 40 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी कितनी है उसकी 40 मीटर पर सेकंड, वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकेगा तो ही हाइट जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, सीधा लगा दे यू स्क्वायर बाय में 2g, क्योंकि सीधा ऊपर की तरफ ही फेंकेगा तभी मैक्सिमम हाइट आ सकती है, तो यू की वैल्यू 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय में कितना, 1600 डिवाइड बाय में 20, 80 मीटर मैक्सिमम हाइट कितनी ला सकता है वो, 80 मीटर। अब वो रेंज भी मैक्सिमम लाना चाह रहा है, रेंज भी क्या लाना चाह रहा है, मैक्सिमम, तो रेंज थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री से फेंकेगा तो ही रेंज मैक्सिमम आ सकती है। तो इस केस में रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 45 डिग्री, तो रेंज जो आएगी वो क्या आ जाएगी, यू की वैल्यू 40 का स्क्वायर
इनटू में साइन 2 थीटा यानी कि डबल कर दोगे साइन 45 का डबल 90 साइन 91 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा जी, तो यानी कि 1600 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 10, तो 160 मीटर। अगर एक ही पर्सन सेम स्पीड से फेंके तो वो जितनी मैक्सिमम हाइट ला सकता है उसकी डबल वो रेंज ला सकता है, उसकी डबल क्या ला सकता है रेंज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर बोला गया है कि मैक्सिमम हाइट इतनी ला सकता है एक पर्सन तो रेंज क्या होगी, तो उसका डबल हो जाएगी रेंज। मान लो वो मैक्सिमम हाइट बोल दिया कि उस केस में 100 मीटर ला सकता है, मैक्सिमम हाइट कितनी ला सकता है 100 मीटर, तो रेंज वो मैक्सिमम कितनी ला सकता है 200 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करके लिख लो इस बात को। इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम हाइट एक्स, इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम हाइट एक्स देन मैक्सिमम रेंज विल बी 2x, देन मैक्सिमम रेंज विल बी 2x। इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम हाइट एक्स देन मैक्सिमम रेंज विल बी 2x। एनी डाउट? ये था रेंज एनालिसिस के बारे में।